तमपद यमक वग्गो, मन ही प्रधान है, चक्षुपाल स्थविर की कथा। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहंत भिक्षु थे। प्रातकाल उन्हें टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी पिरबहुटियाँ मर जाती थी। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चक्षुपाल अरहंत भिक्षु है, अरंत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भंते, अरंत की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए हुए होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधा हो गए? भगवान ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्म में एक बार वैध होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आँख को फोड़ डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया। जैसे बैलगाड़ी में बंधे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय उसके पीछे पीछे लगा रहता है। यह कहकर उपदेश देते हुए भगवान ने यह गाथा कही, मनोपवगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन पासतीव करोतीव ततो नंग दुखन मन वेति चक्रं वहतो पदं।